हाय फ्रेंड, मैं श्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग इस टाइम सीख रहे हैं डेली यूजेज इंग्लिश, तो डेली यूजेज इंग्लिश में आज हम लोग करने वाले हैं डे 5 की बातें। इसके पहले हम लोग डे 4 तक कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 80 सेंटेंसेस किए हुए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 81 से लेकर टोटल मतलब 100 तक जाएंगे, यानी 20 सेंटेंस एक दिन में आपको मिल रहे हैं। तो आज डे 5 में हम लोग करने वाले हैं 20 सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है हमें डेली यूजेज इंग्लिश में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सामान्य बोलचाल भाषा को समझना बहुत जरूरी है, तो जिससे हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उसके बाद अगर हम कॉम्पिटिशन की भी इंग्लिश पढ़ना चाहें तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के भी स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का अगर मैं पहला सेंटेंस लूँ, पहला सेंटेंस मेरे सामने ये है कि इसे ले जाओ। क्या बोला है? इसे ले जाओ। अगर वो कहता है भाई कि इसे ले जाओ, तो उसकी हिंदी तो हिंदी में इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इसे ले जाओ। तो ये कहता है, सीधे सीधे यहाँ पे कहा जाएगा टेक इट अवे। बिल्कुल आसानी से बोलेगा भैया टेक इट अवे, इसे ले जाओ। अब 81 तो हो गया, 82 देखिए, कहता है कि और धीरे चलो, मतलब धीरे तो चल ही रहा था कोई, लेकिन उसने क्या कहता है कि और धीरे चलो। कैसे चलो? और धीरे चलो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चलने का अंग्रेजी सीधे सीधे ये है वाक। अब वाक के साथ है कि और की अंग्रेजी जाएगी मोर, तो वाक मोर, और क्या है धीरे की स्लो, वाक मोर स्लो, ठीक है। ये नेक्स्ट कहता है ठीक से चलो, ये क्या कहता है ठीक से चलो। तो ठीक से चलने का क्या होगा ये देखा जाए, यहां कहना पड़ेगा हमें कि वाक प्रॉपरली, कैसे वाक प्रॉपरली, कैसे चलो भाई वाक के लिए चलो, प्रॉपरली मतलब ठीक से चलो। अब लेते हैं बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल नहीं, तो ये कह रहे हैं कि नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाती है नॉट होती है, फिर एट होती है और ऑल। तो ये हो गया आपका बिल्कुल नहीं मतलब नॉट एट ऑल, तो नॉट एट ऑल का मतलब हो जाएगा बिल्कुल नहीं। अब देखिए कह रहा है गंभीर बनो, क्या बोला है गंभीर बनो, तो यहाँ पे दिया जाएगा आपका ये बी सीरियस, क्या हो गया बी सीरियस, यानी गंभीर बनो। गंभीर बनो की अंग्रेजी क्या होती है बी सीरियस। अब लेते हैं हम नेक्स्ट, ये कहता है एक चुनो, मतलब एक चुनने की बात कर रहा है, यहां आपका हो जाएगा चूज वन, या सेलेक्ट वन भी कहा जाता है, लेकिन आप यही कहें कि चूज वन, एक मतलब चुनो। अब ये कहता है वो भूल जाओ, कोई बात है उसे क्या कहते हैं कि वो भूल जाओ, तो वो भूल जाओ की इंग्लिश क्या हो जाएगी सीधे सीधे आप कहेंगे यहाँ पे इस तरीके से फॉरगेट, क्या कहेंगे फॉरगेट दैट, वो भूल जाओ, ठीक। ये हो गया आपके सामने कि वो भूल जाओ का मतलब क्या फॉरगेट दैट। अब नेक्स्ट लेते हैं इसे वापस दे दो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, समझें इसे वापस दे दो की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी गिव इट बैक, क्या हो जाएगी गिव इट बैक, इसे वापस दे दो, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास है वह सुस्त है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है वह सुस्त है, तो क्या हो जाएगा ही इज लेजी, वह सुस्त है, क्या बोला गया
वह सुस्त है अर्थात ही इज लेजी। अब आगे लेते हैं, मैंने इसे गिराया, क्या बोला है कि मैंने इसे गिराया, तो ये हो जाएगा, देखिए इसकी एनर्जी ऐसे, आई ड्रॉप्ड इट, आई ड्रॉप्ड इट अर्थात मैंने इसे गिराया, क्या बोला है मैंने इसे गिराया, तो बोला जाएगा आई ड्रॉप्ड इट। अब लेते हैं इधर कुछ और सेंटेंस, तो यहां देखेंगे आप इस तरह से कि दरवाजा खटखटाना, यानी ये कहते हैं कि दरवाजा खटखटाना नहीं, बल्कि ये कहा जाए तो और भी बेहतर है कि दरवाजा खटखटाओ, क्या जोड़ दीजिए इसमें, हाँ दरवाजा खटखटाओ, तो ये कहते हैं दरवाजा खटखटाने को, तो आपको अंग्रेजी में कहना होगा नॉक द डोर, क्या बोलेंगे नॉक द डोर, यानी दरवाजा खटखटाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी नॉक द डोर। अब कहता है मुझसे वादा करो, तो यानी ये जब ये कहता है कि मुझसे वादा करो, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आपके लिए Promise me, क्या हो जाएगी Promise me, मुझसे वादा करो। अब ये कहता है कि मैं पता लगा लूंगा, तो ये हो जाएगा I will find it, ये कहता है मैं पता लगा लूंगा, तो I will find, मैं आई विल फाइंड, मैं पता लगा लूंगा, तो ऐसे बोल सकते कि आई विल फाइंड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, हद हो गई, क्या कहते हैं हद हो गई, तो हद हो गई का मतलब हो जाएगा इस तरीके से बोला जाएगा क्या, दिस इज टू मच, अगर बोला जाए कि हद हो गई हिंदी में, तो उसका इंग्लिश वर्जन आएगा दिस इज टू मच, ये हद हो गई। अब है जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात के लिए बोला जाएगा क्या, इट्स ऑब्वियस, क्या बोला जाएगा इट्स ऑब्वियस, क्या बोला जाएगा इट्स ऑब्वियस बोला जाएगा, कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ये होगी डू सम वर्क, यानी कि डू सम वर्क, यानी कुछ काम कर लो, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डू सम वर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो घर पे नहीं है, तो कहने का मतलब हुआ कि वो घर पे नहीं है, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे He is not at home, क्या बोला जाएगा He is not at home, अर्थात वह, मतलब वह बोली या वो बोली, वो घर पे नहीं है या वह घर पे नहीं है, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि He is not at home, ठीक। नेक्स्ट, अब ये कहता है 98 वाला कि वह मक्कार है, मक्कार है तो इसको देखेंगे, ठीक है, ही ये हो जाएगा ही इज स्लीकर, ये हो गया ही इज स्लीकर, अर्थात वह मक्कार है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी ही इज स्लीकर। नेक्स्ट, मैंने क्या, मैंने कब कहा, मैंने कब कहा ये जानना है, तो यहां हो जाएगा देखिए when did I say, अर्थात इन्होंने कहा कि मैंने कब कहा, तो when did I say, मैंने कब कहा, तो डियर फ्रेंड लास्ट है कि मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं
ये संदेश भी है और मैं भी माफी आपसे चाहता हूँ, इसलिए कि मैं ये नहीं बताने वाला, ये आप लोग बताएंगे इसकी अंग्रेजी, वो भी कमेंट सेक्शन में राइट करके बताएंगे। तो ये लास्ट है, 100 वाला आपके लिए है। इसका क्या होगी इंग्लिश आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई विल गिव द राइट ट्रांसलेशन ऑफ दिस, इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा मैं कमेंट सेक्शन में तो दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके इंग्लिश कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डे 5 पसंद आया होगा काफी। तो इसी तरह से आप इस सीरीज का एंजॉय करते रहें और डेली यूजेस इंग्लिश सीखते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हम बोलचाल की भाषाएं जानते हैं तब हम अपनी चीज़ों को सीखने में आसानी फील करते हैं, मतलब अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर डेली यूजेस इंग्लिश अगर आएगी तो आप कंपटीशन की इंग्लिश को सीखना बहुत ही पसंद करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड, बहुत ज़्यादा नहीं आज के लिए तो यहीं तक है, लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।